नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं और शोधन से दूर करना चाहती हैं, जिनका पति किसी दूसरी महिला के पीछे दीवाना हो गया है। जो अपने शोधन से छुटकारा पाना चाहती हैं, वो महिलाएं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोतन एक ऐसा शब्द है जो कि हर शादीशुदा महिला के जीवन के लिए एक श्राप जैसा है, क्योंकि यदि किसी विवाहित महिला के जीवन में किसी सोतन का प्रवेश हो जाए तो उस विवाहित औरत का जीवन पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है, क्योंकि उस सोतन के कारण पति का व्यवहार भी अपने बीवी बच्चों के प्रति विपरीत हो जाता है। पति अपनी पत्नी से अलगाव करना चाहता है और पति के इस आचरण के कारण पत्नी को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे टोटके लेकर आए हैं जिनकी सहायता से आप सोतन से छुटकारा पा सकती हैं। आइए जानते हैं सोतन को पति से दूर या अलग करने के टोटके के बारे में। अगर आप भी चाहती हैं अपने पति को अपने वश में करना और सोतन को दूर करना, तो विवाहित औरत को सर्वप्रथम पति का जूठा पति एकत्रित करना होगा और उसकी एक छोटी कटोरी में आटा, काले तिल, गुड़ को मिलाकर इस पानी को इस आटे को गूंदकर 21 गोलियां बना लेनी है। उसके बाद इन सभी गोलियों को सुबह 4 बजे पति के सिर से 21 बार घुमाते हुए वशीकरण मंत्र का जाप करना है। वशीकरण मंत्र है ओम श्रेय श्री देवदंत कालिकाय वंश गुरु श्री वट स्वाहा। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद स्नान करने के बाद आप इन गोलियों को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस टोटके के प्रभाव से आपके पति की बुद्धि में सुधार होगा, आपके पति उस औरत को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे। अगर आप चाहती हैं अपने पति को अपने वश में करना, तो वीडियो में जो टोटका मंत्र बताया गया है उसका प्रयोग करके आप अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं और सोतन को दूर कर सकती हैं। लेकिन एक बात का याद ध्यान रखें, मंत्र में जहां पर देवदंत का प्रयोग हुआ है वहां पर आपने अपने पति का नाम लेना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत